अभी ये हमारा 3 HP का सोलर कंट्रोलर है। इसमें अगर आपको टॉगल स्विच का सेटिंग करना पड़े तो सबसे पहले नीचे ड्राइव कंफर्म कर लेना, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि वीची का ड्राइव है। उसके लिए पहले आपको इसके अंदर टॉगल स्विच का सेटिंग करने के लिए सेट का बटन दबाना होगा। सेट का बटन के बाद देन जैसे ही डिस्प्ले पे आपका पासवर्ड लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है। ये डिस्प्ले हमारा 2021 पासवर्ड का है और सेम ही डिस्प्ले में इनकेस कई बार पासवर्ड डिफरेंट पासवर्ड में भी आती है, उसका पासवर्ड है 1234। अब पहले जैसे आप यहाँ पे 2021 करोगे, जैसे ही आप डिस्प्ले पे 2021 करोगे देन उसके बाद आप इसमें पासवर्ड के लिए एंटर करोगे। अभी आपका पासवर्ड खुल चुका है, आप पैरामीटर स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे आपको टॉगल स्विच का सेटिंग करना हो तो वो आपका F00.02 में होगा। उसके लिए पहले आपको इसमें एंटर करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे F00.00 आ गया। यहाँ पे आपका टॉगल स्विच का जो पैरामीटर है F00.02 में है। इसमें आने के बाद आप एंटर का बटन दबाओगे तो देन यहाँ पे आपका डिस्प्ले का सेटिंग है। अगर इसको आपको टॉगल स्विच से ही करना है, कस्टमर डिमांड करता है नहीं मेरे को तो सिर्फ साइड के स्विच से ही चलाना है, वो डिस्प्ले से कोई ऑपरेशन नहीं करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पहले पैरामीटर स्टोर करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे 1 करोगे उसके बाद पैरामीटर स्टोर करोगे, 1 होने के बाद अभी आपका कंट्रोलर टॉगल स्विच से हो गया है। अभी यहाँ से आप कंप्लीट पैरामीटर से बाहर आ सकते हो। ESC का बटन दबाने से आप पूरे प्रोग्राम से बाहर निकल जाओगे। अब आप अपना कंट्रोलर साइड के स्विच से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से ऑन करोगे तो आपका डिस्प्ले पे ऑन आ जाएगा, अगर साइड के स्विच से ऑफ करोगे तो आपका पंप ऑफ हो जाएगा।